आज हम बात करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में। और CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इसको CUCET के नाम से जाना जाता था, लेकिन सेंट्रल वर्ड यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसको अडॉप्ट कर सकती है। इस वजह से सेंट्रल वर्ड हटा करके अब नया नाम CUET कर दिया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल वर्ड यहाँ से हटा दिया गया है। पहले इसको CUCET से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जाना जाता था। उसमें 12 यूनिवर्सिटी थी जो इसमें कंडक्ट कराती थी टेस्ट CUCET के थ्रू, लेकिन अब जो है 42 प्लस यूनिवर्सिटी इसके थ्रू कंडक्ट कराने वाली है, यानी कि एडमिशन अपना CUET स्कोर के बेस पे देने वाली है। लेकिन अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हमें एग्जाम देना होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो पब्लिक नोटिस आई है ये 26 मार्च 2022 को आई है, और इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022। एक और बात, CUET के अंडर ओनली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ही एग्जाम होंगे, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल बीटेक या फिर MBA, ये सब कोर्सेज के एग्जाम CUET के थ्रू नहीं आएंगे, और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ये भी CUET के अंडर नहीं आएंगे। ओनली UG एंट्रेंस ही CUET के थ्रू होंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी JNU DU AMU जामिया, ये सब जितने भी PG कोर्सेज हैं, बीटेक एंट्रेंस अगर कोई यूनिवर्सिटी अलग से कंडक्ट करा रही थी तो वो अलग से ही कंडक्ट कराएंगे। MBA का भी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी अलग से ही कंडक्ट होगा। CUET में ओनली UG कोर्सेज के ही एंट्रेंस होंगे, लाइक BA BSc BCOM। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यानी कि 2022 में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको CUET के बेस के स्कोर पे ही उनको एडमिशन देना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने सेक्शन होंगे, किस तरीके से हमें एग्जाम देना होगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा 2 अप्रैल से, एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारा ओपन होगा वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। इसके बीच में हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो वेबसाइट होगा फॉर्म फिल करने का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET.samarth.ac.in, यानी कि इस वेबसाइट से जा करके हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अच्छा, पेपर फॉर्मेट किस तरीके से होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात हुई है, लेकिन और भी बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो CUET UG 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शन, यानी कि टोटल 4 सेक्शन होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट BSc AMU में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कौन से पेपर देने होंगे, या फिर BA AMU में फॉर एग्जाम्पल टेस्ट देना चाह रहा है तो उसको कौन से यहाँ एडमिशन लेना चाह रहा है तो कौन से टेस्ट देने होंगे, ये सब हम सारी बातें करने वाले। जामिया में मान लीजिए BSc में एडमिशन लेना चाह रहा है, DU में, ये सब हम सारी चीजें बहुत डिटेल में बात करेंगे आज। तो आप देख सकते हैं सेक्शन फर्स्ट जो होगा ये टोटल 13 लैंग्वेज होंगे इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए आपको 45 मिनट का दिया जाएगा टाइम। और इसमें से आप यहाँ पे एटमोस्ट, यहाँ पे अभी कंडीशन दिया होगा कि टोटल आप 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रेंसर बेस्ड टाइप्स ऑफ लिटरेरी एंड नरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेक्शन बी में कितने होंगे, 19 होंगे सेक्शन ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, देर आर 19 लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दीज ऑफर्ड इन सेक्शन ए मे बी चूजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ सेक्शन सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्शन सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 27 डोमेन होंगे, और 27 डोमेन में से आपको अपना स्पेसिफिक डोमेन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ सेक्शन 3 में रहेगा तो सेक्शन 3 में भी इस तरीके से। अब किसी स्टूडेंट को इस नहीं समझ में आ रहा कि सेक्शन 1 लेना है, सेक्शन 2 लेना है, सेक्शन 3 लेना है, ये हम सारी चीजें बहुत डिटेल में बात करने वाले। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की। तो इसमें अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि वो किस कौन से स्कोर के बेसिस पे वो जो है एडमिशन देने वाली है। तो अब जब भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप DU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको DU का प्रोसीजर देखना होगा। जैसे ही DU का 2022 का प्रोसीजर आ जाता है एडमिशन उस हर स्पेसिफिक कोर्स के लिए कि वो कौन से स्कोर पे वो एडमिशन देना चाहेंगे, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल BSc का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको लैंग्वेज कोई सिलेक्ट करना होगा, जाहिर सी बात है उसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो BSc का जो स्टूडेंट होगा वो हो सकता है उसको सेक्शन सेकंड में से सिलेक्ट
सेलेक्ट करना हो। अच्छा, सेक्शन सेकंड में से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6, मैक्सिमम 6 सेक्शन, यहाँ पे कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं लगी हुई है, सॉरी, और यहाँ पे मैक्सिमम की लिमिट लगी हुई है सेक्शन सेकंड डोमेन में। अच्छा, सेक्शन सेकंड डोमेन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से किया हुआ है और वो बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो क्या क्या सेलेक्ट करना होगा उसको, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये 3 डोमेन तो सेलेक्ट करने ही होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जामिया या एमयू ने क्राइटेरिया रख दिया कि आप अगर बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो आपको पीसीएम स्कोर आपको दिखाना होगा, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्कोर दिखाना होगा सीयूईटी पे। तो आप यहां पे ये तीनों डोमेन चूज कर सकते हैं। अगर आप पीसीबी के हैं तो हो सकता है आपके लिए कहा जाए कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में स्कोर आपको दिखाना होगा। तो अब ओवरऑल वो लोग क्या करेंगे, तीनों का जो सम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो ओवरऑल सम करके आपको उस स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड जो है वो हमारा जनरल टेस्ट होगा। अब जनरल टेस्ट हो सकता है साइंस स्टूडेंट के लिए ना हो और ओनली आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हो, फॉर एग्जांपल कोई बीए में एडमिशन लेना चाह रहा है या किसी में, तो हो सकता है उनके लिए हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अपना प्रोसीजर क्या निकालती है और वो कौन से स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देने वाली है। तो ये सब कुछ पूरा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होने वाला है। अब जो भी स्टूडेंट, मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, उनको क्या करना है कि उनको जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है अपना वो पढ़ते रहना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखने वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 11th के सिलेबस से कुछ भी नहीं आने वाला, यानी कि 11th का सिलेबस अब बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 11th सिलेबस ओनली, 12th सिलेबस ओनली, यानी कि 11th का सिलेबस पूरी तरीके से हट चुका है। अब आपको 11th का सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। एक और बात यहाँ पे जो ये बात आती है कि जो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 40 अटेम्प्ट करने हैं और ओनली 45 मिनट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 45 मिनट का टाइम दिया गया है तो लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आपको पूरा सिलेबस 12th का थॉरली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप थोड़ा सा सिलेबस पढ़ ले, क्योंकि जब क्वेश्चन इजी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, आप अपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन करें, बाकी कुछ दिन और वेट कर लें, यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन जैसे ही आ जाता है उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना करके आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेस्ट मोड ऑफ द टेस्ट सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेस्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ही होगा, मीडियम आप देख लें, लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में होंगे और सिलेबस हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी ये होगा और सेक्शन सेकेंड एनसीईआरटी 12th क्लास ओनली और थर्ड जो है ये हमारा होगा। और अप्रैल 1st से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट हमें ये याद रखना cuet.samarth.ac.in। लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12th से ही है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर ऑल्सो सच स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपियर इन सीयूईटी यूजी 20। यानी कि ये भी यूनिवर्सिटी, सब कुछ इन्होंने यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड कर दिया, बस ये एक मीडियम बनना चाह रहे हैं कि हम टेस्ट कराएंगे, ओनली ये टेस्ट मीडियम बनना चाह रहे हैं, बाकी सब कुछ यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया कि यूनिवर्सिटी क्या करती है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें सारी यूनिवर्सिटीज का, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको देखते रहना है कि वो कब अपना गाइडलाइन 2022 का निकालती है, गाइडबुक निकालती है, जैसे ही गाइडबुक आ जाती है हमें उस पर बहुत डिटेल में देखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 12th वाला है, 11th अब आपको नहीं पढ़ना है, ओनली 12th पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मे चूज द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू हिज चॉइस, फॉर एग्जाम्पल फॉर बायोकेमिस्ट्री द कैंडिडेट मे चूज बायोलॉजी, ठीक है। और जैसे ही यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन आ जाता है, एएमयू, जामिया, डीयू या फिर बीएचयू का, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।